हाय फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक एंड ट्रेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत ही खास वीडियो और रोचक वीडियो लेकर आता रहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा शेयर लेकर आया हूँ जो कि लगभग बहुत गिर चुका है। वो बैंकरप्सी होने के कगार पर मुझे लग रहा है कि अगर वो कुछ दिनों अगर ऐसा ही चलता रहा है इसमें तो ये बर्बाद होता जा होकर ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, वो शेयर है एवी रेडी। जैसे कि आप लोग, हम लोग घर में बहुत सारे एवी रेडी का बैटरी यूज करते हैं और फिर उसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल, मैं उसके शेयर पर जा रहा हूँ। फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं, इस शेयर के बारे में मैं आपको फ़िलहाल इसी मंथ के आसपास के मैं आपको पूरी डिटेल दिखा रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, एक महीने के अंदर यह शेयर कितना पिट चुका है वो आप खुद देख सकते हैं। जैसे कि मार्च अप्रैल में, जैसे कि इस ट्रेड कर रहा था 200 के ऊपर, 225 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और लेकिन फ़िलहाल अभी ये देख सकते हैं आप लोग पूरे 80 रुपये के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है, पूरे 86 रुपये पे बंद हुई है। अगर फ्रेंड देखिए, 10 से 15 दिन के अंदर इतना गिर चुका है, मतलब 50-60% तक गिर चुका है ये शेयर। और ये मुझे जैसा कि लग रहा है फ्रेंड, जैसे मैंने इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखे हैं, मैंने क्वार्टरली रिजल्ट भी देखे हैं, इस शेयर के बहुत ही ख़राब रिजल्ट हैं और लगातार इसके परफॉर्मेंस गिरते ही जा रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अब मैं आपको थोड़े लॉन्ग टर्म में दिखाता हूँ। जैसे कि आप मुझे इस शेयर के मुझे साल भर पहले की, मैं एक साल पहले की आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, 2018 के यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2018 में इस कितने का हाई बनाया था, देखिए ये 450 रुपये का हाई बनाया था और अभी ये ट्रेड कर रहा है 80 रुपये। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि ये 60-70% से भी ज़्यादा गिर चुका है, 80% के आसपास अगर साल भर के अंदर देखा जाए, एक साल के अंदर, तो कितना गिर चुका है इस, मुझे जैसा कि लग रहा है फ्रेंड। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतने के लो बनाया है इसके बाद ये संभल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शेयर में मुझे कुछ अच्छा ही दिखाई दे नहीं रही है, प्रॉफिट कंपनी कर नहीं रही, इसके लिए मुझे लग रहा है कि शेयर बहुत ही नीचे जाएगा और बहुत ही मतलब लॉस कर रही है। और इसी की तरह मुझे लग रहा है कि शेयर बर्बाद होने के कगार पर है। तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स मुझे अगर कमेंट कर रहे थे, सर कि ऐसा इस शेयर में मैंने निवेश किया तो क्या करना चाहिए। फ्रेंड, अगर आप इसमें निवेश किए हैं तो आँख बंद करके बाहर आ जाइए, इसमें मुझे कुछ भी अच्छा परफॉर्मेंस करने के कगार पर नहीं है। और रही बात कि इसके फ्यूचर, तो फ्यूचर तो खैर इसकी कुछ भी, जो भी एक्सपर्ट मार्केट के एक्सपर्ट है वो भी बता रहे हैं कि फ़िलहाल अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तेज़ी से ये गिर रहा है तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी ये संभल पाएगा कुछ आसानी, बहुत इसको संभलने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ अगर इसमें आप सोच रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले ये 250 रुपये मिल रहा था और अभी मुझे ये मिल रहा है 80 रुपये के आसपास, तो मैं इसमें ले लूँगा, मुझे डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो ऐसे गलती मत कीजिएगा, ये बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है और आप इसमें फंस सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आपको ये न्यूज़ आप लोग के लिए सामने लेकर आऊँ और आप लोग को बताऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहता हूँ। अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको कुछ भी नॉलेज या जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे मैं कोई भी न्यूज़ सबसे पहले लाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।